जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि वो कहां काम नहीं कर पा रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, तो आपको ये लेवल समझना पड़ेगा। तो वो लेवल क्या है, कहां काम नहीं कर पा रहे बताओ। आप सोचो, देखो आप सोचो, घर में खजाना छुपा हुआ है और मैं घर के सारे कमरे खोल खोल के चेक कर लिया, खजाना नहीं मिला, तो इसका मतलब कहीं गड़ा हुआ है खजाना। हमें गड़ा हुआ खजाना खोजना है ना। अब उसका मैप चाहिए। पहली बात, हमको पता है, हमको वो तो नक्शा होता है पिक्चरों में, बोलते हैं नक्शा मिल जाए हमको, तो हमारा नक्शा ये है। हेलो, ये नक्शा पढ़ना हमको। हम कहते हैं अरे यार एक ऐसा खजाना भी हमें ढूंढना है जिसका नक्शा नहीं है। हेलो, जैसे वीवो के फोनों के नक्शे नहीं होते है ना, स्कीमेटिक नहीं होते और बहुत से मोबाइलों के नहीं होते हैं, तो अब उस नक्शे बिना नक्शे को भी ढूंढना है हमको। ये ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, ये सब नहीं ढूंढोगे तो सिर्फ कस्टमर नहीं काम करोगे। मतलब एक ऐसा फोन बनाओगे जिसका ना सील उतरी है ना कुछ उतरा है, मतलब सीधे नेटवर्क है भाई, WDR वायरलेस ट्रांस रिसीवर बदलो या SDR बदलो या एक कंपोनेंट बदल तो हो जाएगा काम। या क्या पता वहां पर बैटरी में फूक मारने से हो जाएगा, या बैटरी को खोल कर उसके DMS सर्किट का उसका PTC रजिस्टर को जम्पर मार दो, हो गया। तो यार ये काम जब करके है ना, वो फ्री सीना छोड़ा नहीं होता है। ये काम तो वो वाला है कि मैं एक इंजीनियर होने के बाद हवा भर रहा हूँ साइकिल के अंदर। हेलो, मैं एक बहुत BMW कार का इंजीनियर हूँ और बहुत बड़ी शॉप है मेरी, और बस करके आ रहा हूँ BMW कार में हवा भर रहा हूँ। तो मेरा सीना छोड़ा उससे तो ना होगा, मेरा सीना तो BMW का इंजन बनाने से होगा ना भाई। सबसे पहले तो यही होता है, एक माइलस्टोन बनाना, क्रिएट करना पड़ता है। मेरी लाइफ में यही था, मैं जब 9th में मतलब मैथ्स में मेरे 17 नंबर आए थे, तो 10th में मैंने माइलस्टोन बना लिया, तो 10th में हाईएस्ट आए फोन के अंदर। आप बस मेरा मॉडल खोलो और थर्मिस्टर देख लो कहां है। उधर वो थर्मिस्टर के लिए वो कह रहा जिसके पास नहीं है, बोला बोर्डियो परचेस करो। मैं इसके ऊपर भी बताता हूं, नोटिस करना। ये देखो जैसे इसी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहा है ये कंपोनेंट एक थर्मिस्टर है, ये कंपोनेंट थर्मिस्टर है, इस पे काम करो। अब उसने पूरे बोर्ड में एक या दो बताए, हो सकता है 3 लगे, हो सकता है, क्योंकि वो इतना कंफर्म भी तो नहीं है ना, वो नीचे लिख नहीं रहा है भाई इसके बाद नहीं लगे, वो कंफर्मेशन दे रहा है क्या? जब कंफर्मेशन नहीं दे रहा तो मतलब 2 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतलब ये है अब 2 से काम नहीं हुआ तो फोन रिटर्न होगा। हेलो,
हमें तो भाई ऐसा नहीं करना ना काम, हम तो चाहते हैं कि हम किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं रहे। ये देखो पहले ये वेबसाइट आती थी, मोबाइल वन करके वेबसाइट आती थी, तो यहाँ पर मोबाइल वन टैक, ये बहुत पहले की वेबसाइट है। ये देखो तो इन वेबसाइट ने क्या किया था, सबसे पहले शुरुआत इसी ने की थी, ये बूंदियों से भी पहले है। तो इसमें देखो यहाँ पर आप देखोगे तो थर्मिस्टर, ये देखो थर्मिस्टर डाला हुआ है। अब मैंने बोला सही है थर्मिस्टर के लिए वो बोलता कंपनी दूर हो, मैंने बोला चलो ले ली यहाँ पर एक ले ले ओप्पो, फिर बोला कोई मॉडल बताओ, मैंने बोला चलो एप्पल दे देते, और थर्मिस्टर है ये थर्मिस्टर आर डी करके लगा हुआ है। अब मैंने बोला चलो झूठ के बताओ जल्दी से, तो बोला है पैसा दो टॉकिंग करो पैसा दो और उसके बाद ही बताएंगे, यहाँ पर वैसे नहीं बताने वाले। तो मैंने बोला यार ये तो गलत है, तो कुछ नहीं है। तो थर्मिस्टर के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, आप समझो थर्मिस्टर के लिए। मैं ये कहता हूं यहां बैठे हर एक स्टूडेंट से सिर्फ 5 मिनट के अंदर कितने पूरे बोर्ड के थर्मिस्टर निकाल के ढूंढ लोगे, ये बता दो सही है कि नहीं, कौन कौन करेगा मेरे साथ 5 मिनट के अंदर, समझ में आ रहा है मेरे बात? बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट करने
लिए रिबोली, अगले दिन की सुबह रिबोली कम करेंगे सीपीयू को रिबोल, किसको? सीपीयू को रिबोल, यूनिवर्सल स्टेंसिल से। हेलो, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि
कैसे कर रही है और आईसी को चेक करने के कितने ट्रिक हो सकते हैं। दूसरा माइलस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा माइलस्टोन है कि यहां पे आने के 3 महीने के बाद हर एक को एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलना है। भाई कौन कौन करेगा? हेलो हिंदुस्तान में लोग मेरे से कहते हैं सर ब्रांचेस दे दो, अपना नाम दे दो। मैंने बोला नॉलेज ले ना, खुद का नाम बनाओ ना, मेरे नाम से क्यों काम कर रहे हो? मेरा नाम मदराम होगा तो तुम भी हो जाओगे। हेलो खुद का बनाओ यार नाम। अभी मेरे को खैर लाइव में तो मैं ये कहना चाहूंगा बस हम स्टूडेंट सबसे पहले एक बार खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। जो सिलेबस आपको समझाया है उस सिलेबस के साथ कौन कौन एग्री है मेरे साथ? हेलो पक्का सिलेबस में कोई डाउट है क्या? चलो अच्छी बात है। सबसे अच्छा आपको पॉइंट मिला कि आपको सीधा कुर्सी पे नहीं बिठाया गया कि काम करने लग जाओ, आपको हर चीज पूरी अच्छी तरह समझाई और बताई गई है ना। ट्रांसपेरेंसी रखी है कि नहीं रखी है? अभी तक किसी से फीस ली है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहला दिन तो ठीक है, दूसरे दिन मॉर्निंग में 8 बजे 11 बजे तक कौन कौन रोल लेकर सीपीयू सिर्फ यूनिवर्सल एक्सटेंशन से रिवॉल्व कर लेगा? कौन कौन मेरे साथ? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाओ क्योंकि मैं करवाऊंगा। हेलो तीसरे दिन में लाइव पावर कौन कौन लगा लेगा? देखो अभी लाइव कह रहा हूं, तुम्हारे घर वाले देख रहे हैं, शेयर करना अपने घर वालों को, शेयर करना अपने घर वालों को कि देखो मम्मी पापा मैं कहां आया हूं भाई। चौथे दिन लाइव सीपीयू कौन कौन करेगा मेरे साथ? चलिए बताओ सर करके जाएंगे लाइव। चौथे दिन भी करेंगे, पांचवा दिन होने नहीं देंगे। भले हमने नहीं करते आ रहा या तभी नहीं चुकी या जो भी हमारा जो भी स्किल है हम उस स्किल को अच्छे से डेवलप करेंगे ताकि हम सक्सेस काम करें। हेलो फिर सर्किट तो मेरे साथ समझ नहीं समझना है, उसके बाद मेरे सर्किट को बढ़ाने के बाद भाई आपके साथ में दुर्गे सर की क्लास है। दुर्गे सर की जोरदार ताली दे दो भैया। तो वो बताते हैं कि वो सॉफ्टवेयर ऑफलाइन ऑनलाइन को उन्होंने कितना इजी किया है कि ऑनलाइन फ्लैशिंग को भी ऑफलाइन करके कैसे बता रहे हैं, कितने इजी से ड्राइवर और सब कुछ बताएंगे आपको, एफआरपी अनलॉक सब कुछ। उसके बाद जो मेरी क्लासेस होंगी वो होंगी मेरे हार्डवेयर और दुर्गे सर के बाद में मिलन सर की, तो एक बार जोरदार ताली दे दो। मिलन सर तो एक ब्रांड है हमारे और एमएमसी का वो हीरा है। उसके बाद मिलन सर के बाद क्योंकि उसमें ब्लैक पेस्टेड, भाई ब्लैक पेस्टेड मक्खन जैसे कौन कौन निकालना चाहता है जल्दी बताओ। अरे हां अच्छा एमएमसी हम चेंज करें, मीडियाटेक होगा, क्वालकॉम होगा और सैमसंग होगा, प्लस यूएफएस कौन कौन प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है? हां मैं यूएफएस चेंज करना सिखाऊंगा। हेलो यूएफएस कंप्लीट प्रोग्रामिंग चेंज अनलॉकिंग के साथ, समझ आ रहे मेरी बात? यहां लिखा नहीं है फिर भी मैं यूएफएस दे रहा हूं आप लोगों को, तो यूएफएस भी दे रहा हूं मैं आपको जेटेक के साथ में, यूएफआई के दोनों के साथ में आप यूएफएस सिखाएंगे। पर मैं मानता हूं कि एक आदमी सब कुछ एक बार में जो बिल्कुल जीरो पे है एकदम से 10 नंबर पे नहीं जा सकता है। भाई मैंने भी पहले मैथ्स में 17 नंबर आए थे फेल हुआ था, फिर आए थे 52, फिर आए थे 70 और उसके बाद 99 और 100 आए थे, फिर रेशो चलता था 99-100 में, फिर पढ़ाने लग गए मैथ्स। पहला मैंने स्कूल अच्छे से याद है 11th में मैंने अपने 500 रुपए लिए थे अपने बगल वाले बैठे बच्चे को पढ़ाया था। सोचो मेरी बगल वाले से मैं 500 रुपए लिए थे, बहुत डर गया था भाई पास नहीं हो पाऊंगा मैं क्या करूं, बोले कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगा तेरे को तू चल। फिर 20 तारीख हम करेंगे डुअल लेकर अटेम्प्ट नेम प्रोग्रामिंग मेरे साथ, कौन कौन करेगा यहाँ पर? हेलो पक्का यस सर। अच्छा यहाँ पर ना ये लोग मेरे साथ जुनून लेकर आए हैं तो इसके साथ में यार मैं कुछ और लोगों का नाम लूंगा यार क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है तुम लोगों को वो माइलस्टोन तक पहुंचाने का, जिनमें सबसे पहला नाम हमारा इंस्टीट्यूट के कोहिनूर बोलता हूं उनको। कोहिनूर कौन होता है? जिसको दिखाया नहीं जाता है, उसकी फोटो नहीं खींची जाती, सिर्फ उसको टिकट ली जाती है दिखाने के लिए, समझ आ रहा है? वो है एमडी सर, एक बार जोरदार ताली दो। और दूसरा मैं चाहूंगा कि आप शाम से एक बार जोरदार ताली बजाओ, और तीसरा अनिल सर के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो ये हमारे पूरे ऑल ओवर ऑफिस कीपिंग और ये सारी फैसिलिटी देखते हैं यहाँ पर, और इसके साथ एक बार फिर से जोरदार आगाज करो, शुरुआत करो आज का। चलो
थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट चलो थैंक यू भाई लाओ फॉर्म लेकर आओ देखो फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को मैं नाम लूंगा जिनका नाम लूंगा वो लोग आइएगा तो फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पर फुल नेम फादर का नेम नहीं है आप अपने कोई भी डाल सकते हैं बट यहाँ पर लिख दीजिएगा सन ऑफ या जैसा भी आपको डालना है